आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जुट गई है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने इस बार मिशन 80 के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है, जहाँ लोकसभा क्षेत्रवार विस्तारक भेज चुकी भाजपा अब विधानसभा वार लड़ाके उतारने की तैयारी में है। वहीं ये विस्तारक अब लोकसभा चुनाव होने तक तय क्षेत्रों में डेरा डालेंगे। तो आपको बता दें, मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। आपको बता दें, हारी हुई सीटों को जीतने के लिए बीजेपी अब पूरी तैयारी में लगी हुई है। साथ ही इसके लिए बीजेपी ने अब विस्तारक उतार दिए हैं। आपको बता दें, जहां लोकसभा क्षेत्रवार विस्तारक भेज चुकी है बीजेपी। आपको बता दें, भाजपा ने इस बार मिशन 80 के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है मिशन 2024 के लिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, जो बीजेपी विस्तारक लाने की तैयारियों में जुटी है, विस्तारक क्या कुछ मदद कर सकते हैं मिशन 2024 में? जी बिल्कुल ईशा, अगर बात की जाए तो 2024 चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद लगातार इस चुनाव को अपने पक्ष में करने का हर एक मुमकिन प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस बार का लक्ष्य है कि 2024 में हैट्रिक लगाएं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाएं। इसको लेकर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कार्यकर्ता लगातार पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। वहीं जब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी का एक अहम कहीं ना कहीं एक योगदान होता है, और जो सत्ता की चाबी है वो उत्तर प्रदेश से ही कहीं ना कहीं होकर गुजरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनसंख्या और साथ ही साथ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। 80 सीट यहां से आते हैं, और एक देखा जाए तो 2014 चुनाव हो या 2019 चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से एक भारी समर्थन मिला है। इस सिलसिले को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिल्कुल चूक नहीं चाहते हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तमाम पन्ना प्रमुख है या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तमाम लोगों की जिम्मेदारियों को तय किया गया है, और आमतौर पर जो कार्यकर्ता है उनको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या जो वोटर नहीं है उनको वोटर बनाने की तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर चाय पे चर्चा और साथ ही साथ पदाधिकारी साथ टिफिन खाकर और रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि अगर आप पूर्व से अनुमान लगाएं तो 2014 और 2019 के अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा स्तर पर एक विस्तारक होता था और एक पर्यवेक्षक होता था, और साफ तौर से इस बार के चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं चाहती है और हर एक जिले में विधानसभा तरीके से विस्तारकों को भेज रही है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी का विस्तार हो सके और जो तमाम सरकार की नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी ईशा, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव को काफी चुनौतीपूर्वक माना जा रहा है, क्योंकि 2014 में देखें तो मोदी वेव के आगे सभी राजनीतिक दल विपक्षी पस्त हो गए थे, मगर 2019 के अंदर में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की एकता देखी गई, मगर वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी मरतबा प्रधानमंत्री बनाने से रोक नहीं पाए। इस बार अगर देखा जाए तो देश के तमाम विपक्षी दल एक होकर अलग अलग पैतरे से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जाति समीकरण के आधार पर तमाम आधारों को बनाकर चुनावी मैदान में है। बात करें तो अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर स्थापित होते हुए नजर आ रही है। हिमाचल और कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है, और देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पैतरे हैं आमतौर पर विस्तारक, ये कितना लाभदायक होते हैं वो चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा।
जी तो विभांशु, जो बीजेपी का 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य है लोकसभा को लेकर, तो विस्तारक उसमें क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? अगर देखा जाए तो विस्तारकों के हाथ में जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की नीतियां हैं और साथ ही साथ जो हारी हुई सीट है, भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के अंदर में सीटें हारी है लोकसभा की, उन सब क्षेत्रों में जाकर कहीं ना कहीं पार्टी को एक जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको पुरजोर मरहम लगाने का काम करेंगे। आपको बता दें ईसा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का साफ तौर से एक बयान लगातार आप सुनते हुए आ रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को अपने पाले में करेंगे। इसका लक्ष्य मिशन 80 के तहत तमाम कहीं ना कहीं लक्ष्य मिशन 80 के तहत तमाम योजनाएं और तमाम पार्टी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी को में विस्तारक लाकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें लगाए हुए हैं। जी तो विभांशु, अभी लोकसभा चुनावों में देखा जाए तो अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी भी एक्टिव मोड में अभी से ही दिखना शुरू हो गया है, क्या कुछ वजह है? जी अगर इसका अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, वो पूरी पुरजोर मेहनत करती है। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव हो, चाहे अगर देखा जाए पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, हर एक चुनाव में बीजेपी अपने पक्ष में चुनाव करने के लिए हर एक मेहनत करती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत का नतीजा है कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ा है और इस ग्राफ से कहीं ना कहीं विपक्ष चिंतित रहा है और तमाम पैतलों को लेकर विपक्ष तमाम तरह की अपनी कार्यक्रम चला रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के मास्टर प्लान को कैसे चुनौती दे पाएंगे। जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद विभांशु। बीजेपी ने लोकसभा में 80 में से 80 सीट जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्टिव मोड में आ गई है। आपको बता दें वहीं इसके लिए अब बीजेपी ने विस्तारकों को उतार दिया है। वहीं अब ये विस्तारक क्या कुछ फायदा पहुंचाएंगे 2024 के चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में बने नव देवी मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज कथाएं आयोजित होंगी, जहां आज कथा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौरक्षा पीठधीश्वर सभी देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बताया जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर परिसर में 9 देवी देवताओं के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है और नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 2 चरणों में अनुष्ठान का शुभारंभ 8 मई को किया गया था। वहीं गोरखपुर में लगातार सीएम योगी जनसभा कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज सीएम की जनसभा होगी, जिसमें वे लोगों की फरियाद भी सुनेंगे। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। नव मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा है आज, आपको बता दें, जिसके क्रम में आज सीएम की जनसभा भी होगी, जिसमें वे सभी फरियादियों की समस्याओं को भी सुनेंगे, आपको बता दें। वहीं इसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। आपको बता दें गोरखपुर में सीएम योगी लगातार जनसभा कर रहे हैं। सीएम योगी आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शामिल होंगे, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज इसमें शामिल होंगे। वहीं इस बीच जो पीएम है वे सभी फरियादियों की समस्या भी सुनेंगे इस दौरान। तो आपको बता दें वहीं गोरखपुर में लगातार सीएम योगी जनसभा भी कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें जो पीएम है वो जो फरियादी हैं उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और उसका निस्तारण भी करेंगे और नवीन मंदिरों में जो देवी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में 2 चरणों में अनुष्ठान का शुभारंभ भी हो रहा है, आपको बता दें। तो आपको बता दें परिसरों में 9 देवी देवताओं के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिसको लेकर नवीन मंदिरों में
देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दो चरणों में अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ था। वहीं अब गोरखपुर में लगातार सीएम योगी जनसभा भी कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज सीएम की जनसभा होगी, जिसमें वे लोगों की फरियाद भी सुनेंगे। तो आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर परिसर में नौ देवी देवताओं के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया है और नवीन मंदिरों में देवी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दो चरणों में अनुष्ठान का भी शुभारंभ किया गया था, आपको बता दें, 8 मई को। वहीं अब गोरखपुर में लगातार सीएम योगी जनसभाएं भी कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज सीएम की जनसभा होगी, जिसमें वह लोगों की फरियादों को भी सुनेंगे, आपको बता दें। वहीं इस दौरान जितने भी फरियादी हैं वह अपनी समस्याएं लेके सीएम योगी के पास आएंगे और वहीं सीएम योगी उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण भी करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रितेश जुड़ चुके हैं। तो रितेश, सीएम योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं गोरखपुर में, वहीं आज वो फरियादियों की जो समस्याएं हैं वो भी सुनेंगे, क्या कुछ है आज के प्रोग्राम में? गोरखपुर में और गोरखपुर में नौ देवी मतलब नौ मंदिरों का निर्माण किया गया है। प्रमुख मंदिर इसमें बनाया गया है, हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है और हनुमान का मंदिर बनाया गया है, संतुष्टि माता का मंदिर बनाया गया। तो उस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उसके बाद जनता गणमान जी तक आएंगे। और आज जो जानकारी मिल रही है वो शाम को एक बजट संध्या भी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री जी वहाँ पर सम्मिलित रहेंगे। कन्हैया मित्तल वो वहाँ पर भजन संध्या करेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक भजन गाया था जो राम बुलाए हैं, तो इस तरह का आज भजन संध्या भी होगा। कुल मिलाकर के आज गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पर पूरा एक हर्षोल्लास का उत्सव का माहौल बना हुआ है। लगातार वहाँ पर श्रीमद् भागवत का कथा भी हो रहा है, ज्ञान यज्ञ भी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री इसी वजह से वहाँ पहुंचे हुए भी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे देश से वहाँ पर बड़े बड़े धर्माचार्य जुट रहे हैं, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जो नौ देवियों का जो नौ देवताओं का जो विस्तार हो रहा है, आदित्यनाथ स्वयं वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित रहेंगे। जी, तो और कुछ क्या प्रोग्राम रहेंगे आज सीएम योगी के? देखिए, सबसे बड़ी बात ईशा मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से वहां पर देव लोक का निर्माण किया गया है और विस्तार किया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें नौ देवी देवताओं के मंदिर को एक नया रूप दिया गया है। वैसे भी गोरखनाथ मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, क्योंकि बाबा गोरखनाथ वहाँ पर समाधि लिए थे, जिसके बाद से गोरखपुर नाम पड़ा था। तो वहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण होगा उसमें हनुमान जी की मंदिर का निर्माण हुआ है, श्री राम दरबार बनाया गया है, श्री राधा कृष्ण बनाया गया है मंदिर, श्री दशावतार विष्णु जी का और नौका मंदिर, संतोषी माता का मंदिर बनाया गया है, छठी माता का मंदिर बनाया गया है। तो इस तरीके से कुल नौ देवी देवताओं के नए मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें लगातार ज्ञान यज्ञ भी 8 मई से लगातार जारी है, चल रहा है। आज उसका आखिरी दिन है, आज समापन का समय है। तो वहाँ पर कन्हैया मित्तल भी कहीं ना कहीं पहुंचे, तो उससे गोरखपुर में एक उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शुक्रवार से वहाँ पर मौजूद है। तो ये जो गोरखपुर का जो माहौल है गोरखनाथ मंदिर का, वहाँ पर एक भव्य मेले जैसा आयोजन भी हो रहा है, क्योंकि आज एक जनता दरबार भी जिस तरीके से लगाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहाँ गोरखपुर की जो जनता है, आसपास की जो जनता है, वो तो वहाँ पर योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन दूर दराज से पूरे प्रदेश से लोग भी वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में जब वहां पर वो जन समस्याओं को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वहां के लोग हैं जो उनके पास पहुंचते हैं, उनके मन में एक आस एक विश्वास रहती है कि उनके कार्य को यहाँ से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो युगाधीश्वर है, वो युग पीठ के गुरु हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ लोगों के लिए खुशी का चेहरा लेकर के साबित होते हैं। तो ऐसे में आज जिस तरीके से वहाँ पर ये भव्य रूप का कार्यक्रम हो रहा है, देश से लोग कोने कोने से वहाँ पहुंच रहे हैं और जो धर्माचार्य वो भी लगातार वहाँ पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए, शुक्रवार से भी तांता लगना शुरू हो गया था। आज जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो एक भव्य रूप उसको दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे गोरखनाथ मंदिर का विस्तार अगर देखा जाए तो एक जिस तरीके का विस्तार वहाँ पर हुआ है, सबसे बड़ी बात है प्राचीन काल से यहाँ पर जिस तरीके से मंदिर पर एक मान्यता है कि यहाँ पर साल भर में एक बार खिचड़ी के दिन जो मेला लगता है माघ का, वो बहुत ही बड़ा मेला लगता है और बहुत ही शुभ माना जाता है उस मेले को, क्योंकि यहाँ पर जो लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं या वहाँ पर पूजन करते हैं गोरखनाथ मंदिर का, उनकी मान्यताएं भी पूरी होती है। बाबा गोरखनाथ भी वहाँ पर आए थे, कहीं से
वितरण करते हैं, फिर वहां पर उन्होंने समाधि ली थी, जिसके बाद से गोरखनाथ मंदिर अब पूरी तरीके से एक धर्म स्थली बन गई है, तब स्थली बन गई है। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग वहां पर लगातार जुड़ते हैं, और आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो वहाँ के युवाधीश्वर है। तो रितेश, जो सीएम योगी यहाँ पे जनसभाएं कर रहे हैं, क्या उनका फायदा मिशन 2024 में भी सीएम योगी को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल ईशा, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य में जुटे हुए हैं। अभी नगर निकाय के चुनाव में आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में जितने भी जिले से हर जिलों में वो लगातार पहुंचने की कोशिश किए और जनता के समक्ष उन्होंने अपनी बातों को रखा। नगर निकाय में एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए उन्होंने पूरे भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, उनके अपने जो उनके मंत्री थे, उनके कैबिनेट के मंत्री थे, उन लोग पहुंचे, हर जिलों में पहुंचे। अब 24 चुनाव में उन्होंने भी ये तय कर लिया है और किस तरीके से जनता के बीच में पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी दौड़ जो है वो इस तरीके से है कि एक पैर उनका यहाँ रहता तो एक दूसरे जिले में रहता, तो जो 75 जिले हैं उन जिलों को कवर करने में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माहिर है, और उनका जो भाषण होता है, जो उनका वक्तव्य होता है, उसको सुनने के लिए जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं बेसब्री करती होता है, उनका इंतजार रहता है उस चीज का कि कहीं मुख्यमंत्री बोले और उसका भाषण सुनने के लिए वो लोग पहुंचे। तो ऐसी छवि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में बनी हुई है और देश में बनी हुई है, जिसको लेकर के 2024 के चुनाव में वो साबित होना चाहते हैं। फिलहाल ये जनता का मूड है, जनता अब किस नेता को चुनना चाहती है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके लिए वो लगातार चलते रहते हैं। मुश्किल से मुश्किल अगर बात की जाए तो जानकारी हमें मिलती है, इनपुट मिलता है, तो 4 घंटे ही वो नींद पूरी कर पाते हैं, लगातार वो कार्य करते रहते हैं और मतदाताओं के और जो जनता उनके बीच में लगातार वो समन्वय बनाए रहते हैं। जी, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद रितेश। तो आपको बता दें, नव देवी मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा है आज सीएम योगी, जिसमें आज शामिल होंगे। आपको बता दें, वहीं सीएम योगी ने वहां फरियादियों की समस्या भी सुनी। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, और प्रदर्शन की आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए हरियाणा में आज सभी खापों की महापंचायत होने वाली है। इन सबके बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक चेतावनी देते हुए कहा है कि महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं पहलवानों के समर्थन में आई खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार को 21 मई तक की मोहलत दी थी, यह समय सीमा आज खत्म हो गई है, जिसके चलते आज हरियाणा में खापों की महापंचायत होनी है। इससे पहले शनिवार को विनेश फोगाट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारे बुजुर्ग बड़ा फैसला ले सकते हैं जो देश के हित में नहीं होगा। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कॉन्टेक्ट में है और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। सिर्फ प्रोटेस्ट साइट पे ही बैठ के, जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है, ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये हर उस स्पोर्ट्स पर्सन की आवाज है, ये हर उस महिला की आवाज है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करती है और जिनके साथ में शोषण होता आया है, जो अपनी आवाज उठा नहीं पाई है। जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, आज पहलवानों के प्रोटेस्ट का 27वां दिन है और अभी तक उनकी जो मांगे है वह पूरी नहीं हुई है, तो आज जो महापंचायत है वह क्या कुछ फैसला ले सकती है इसको लेकर? जी बिल्कुल ईसा, आपको बता दें कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों के धरने का 29वां दिन है, और अगर बात की जाए तो बीते दिन आपने देखा था कि जहां पहलवानों के समर्थन में तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होकर और कहीं ना कहीं पहलवानों को न्याय दिलाने की बात करते हुए नजर आए थे, उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की खाप पंचायतों के द्वारा
सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया था कि 21 तारीख तक अगर बिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके और न्यायिक प्रक्रिया के तहत पूछताछ का दौर नहीं शुरू होता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के अंदर में किसान आंदोलन हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में खाद पंचायतों का एक बड़ा योगदान था। ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं इस मामले में खाद पंचायत की एंट्री के बाद लगातार जो तमाम पहलवान और पहलवान के समर्थक हैं उनके हौसले बुलंद हैं और उनका साफ तौर से यही कहना है कि हमारे बुजुर्ग खाप पंचायत से हमें समर्थन दे रहे हैं और हमें अब न्याय मिलने में कहीं ना कहीं देरी नहीं होगी। आपको बता दें कि खाप पंचायतों की तरफ से खासकर अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन BKU के नरेश टिकैत और साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन से अलग होकर और राकेश टिकैत ने अपनी एक अलग खाप बनाई है, उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं पहलवानों को है। साथ ही साथ हरियाणा के बड़े खाप पंचायतों का भी कहीं ना कहीं समर्थन है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर 21 मई का दिन तय किया गया था कि इस दिन तक अगर सरकार इस मामले को लेकर अपना रुख नहीं बदलती है तो हम आगे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आप देखने वाली बात ये होगी कि आज कहीं ना कहीं खाप पंचायतों के अल्टीमेटम का आज जो अल्टीमेटम दिया गया था वो दिन पूरा हो गया है और आज हरियाणा में एक बड़ी खाप पंचायत रखी गई है। इसमें अगर बात की जाए तो खाप पंचायत में हरियाणा और साथ ही साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत के तमाम खाप के नेता मौजूद होंगे। इसमें साफ तौर से आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक पहलवान शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि खाप की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाती है और किस पदचिन्ह पर चलकर पहलवानों को न्याय दिलाने का काम किया जाता है। ऐसा जी, तो अब जो पहलवानों की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था विभांशु, वो अब खत्म हो चुका है, तो अब क्या कुछ आशंका है, क्या रणनीति हो सकती है पहलवानों की? जी, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखे थे कि आप किसान आंदोलन के अंदर में खाप पंचायत की एंट्री के बाद पूरे देश के अंदर में कहीं ना कहीं किसान जो थे खाप के, वो दिल्ली के तमाम जगहों पर, चाहे बात की जाए सिंघू बॉर्डर हो, चाहे बात की जाए तमाम ऐसे बॉर्डर्स थे जहां पर किसान तैनात थे, और एक बार फिर कहीं ना कहीं से आशंकाएं लगाई जा रही है कि खाप पंचायतों के नेताओं की एंट्री दिल्ली में हो सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईसा, आज जब खाप पंचायत की बैठक होती है, जब महापंचायत होती है, तो तमाम जो बुजुर्ग हैं खाप पंचायत के, उनकी तरफ से किस तरह की बातें रखी जाती है, क्या रणनीति रखी जाती है, किस रणनीति के तहत काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं देखें तो पहलवान लगभग 29 दिनों से लगातार शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी दल के नेता, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश की आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर हो या चौधरी अजीत, अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी हो, तमाम नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं उनका समर्थन देखने को मिला। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी भी पहलवानों से मिलने पहुंची थी। अब खाप पंचायत की बैठक के बाद आगे की दिशा दशा पहलवानों की धरना को लेकर तय किया जाएगा। अब खाप पंचायत की बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि आगे की रणनीति क्या है, मगर निश्चित तौर से जहां एक तरफ पहलवान अपनी मांगों को मांग रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं शांतिप्रिय ढंग से अपनी जो मांग है कि WFI यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, तो वहीं बीते दिन लखनऊ में एक कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन बिजभूषण शरण सिंह की तरफ से देखने को मिला, जिसमें तमाम उनके समर्थक राजधानी लखनऊ में समर्थन देते हुए नजर आए हैं। जी, तो एक तरफ जो बृजभूषण सिंह है विभांशु, वो भी अपने पक्ष को लेकर अभियान चला रहे हैं, वहीं जो सरकार है उन पर कोई कार्रवाई करती हुई क्यों नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह शुरुआत से ही बोलते हुए आ रहे हैं कि अगर जो उनके पे आरोप लगा है वो सिद्ध होता है तो वो फांसी लगा लेंगे, इस कथन को वो कई बार कह चुके हैं। और बात करें तो देश के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बीते जब पहलवानों का पहली मरतबा वो जंतर मंतर पर बैठे थे तो 21 जनवरी को उनकी तरफ से कहीं ना कहीं 4 हफ्ते में एक न्यायिक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के आधार पर कहीं ना कहीं कहा गया था कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई का दौर शुरू होगा, मगर कमेटी बनी जिसमें साफ तौर से बिजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बिजभूषण शरण सिंह पर
सरकार कार्रवाई करती है, क्योंकि अगर बात की जाए कार्रवाई की तो अब तक कार्रवाइयों का दौर शुरू भी हो गया है। वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर बिजभूषण शरण सिंह की उनकी तमाम जो पावर है, वीटो पावर, उसको ले लिया गया है और उनके द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं, जो अस्थाई सदस्य हैं WFI के, उनकी भी कहीं ना कहीं सदस्यता अभी रद्द की गई है। और जांच के, जब तक जांच चलेगा तब तक कहीं ना कहीं वह किसी भी कुश्ती के कार्यक्रम में या किसी भी कुश्ती के से जुड़े फैसलों में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के WFI के चेयरमैन इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज के खाप पंचायत के बाद सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि अगर देखें तो केंद्र के कोई भी नेता या राज्य के अंदर में कोई भी नेता इस मामले से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, जी बिल्कुल विभांशु, तो अब देखने वाली बात होगी कि महापंचायत आज के इस बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला लेती है। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विभांशु। जो अल्टीमेटम दिया था पहलवानों ने वो खत्म हो चुका है, उसके बाद अब जो पंचायत है, महापंचायत है, वो आज बैठक करेगी और बड़ा फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आप फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।